सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। नवीन जी ये बताइए कि बीजेपी जो है एक तरह से आज विजय गोयल जी ने भी विरोध किया है कि जो ऑड इवन का कंसेप्ट किया है, इसमें बुराई क्या है? देखिए ऑड इवन जो है उससे पोल्यूशन कभी कम नहीं हो सकता। दिल्ली में सबसे अधिक अगर ट्रांसपोर्ट से बढ़ता है तो टू व्हीलर में पोल्यूशन कम करने के लिए, टू व्हीलर से कम करने के लिए बेस्ट ये होना चाहिए कि जो यूरो 6 का है मानक उसको लाना चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना चाहिए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से कलप्स कर गई है। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि जब सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, 57 महीने पहले वायदा किया था, 10,000 DTC की बसें कर देंगे, बसें CNG पे चलेंगी, इलेक्ट्रिक होंगी। लेकिन पहले से 2200 बसें और कम हो गई, उसमें से उसके अलावा 300 बसें ब्रेकडाउन पे रहती हैं, 5,000 में से केवल 2,500 बसें सड़कों पे रहती हैं, उससे दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत नुकसान हुआ है। दिल्ली में जो मेट्रो है वो अरविंद केजरीवाल ने उसको बढ़ने नहीं दिया, ये कह करके कि मेरा वोटर मेट्रो में नहीं चलता। फोर्थ फेज के अप्रूवल के लिए अरविंद केजरीवाल से हम पिछले 4 वर्ष से लड़ रहे सब जानते हैं, जबकि अब तक फिफ्थ फेज भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सफाई सड़कों की रात में होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए कहने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि आम लोगों से, आपसे, मुझसे, कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है उससे 1300 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन खत्म करने के नाम पर वसूल कर चुके हैं टैक्स के रूप में। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिया है, उसके बावजूद केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आपका कहना है कि ये जो पराली का मामला है ये तो केजरीवाल के हाथ में है नहीं, और जो टेरी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस मौसम में कम से कम 40% जो पॉल्यूशन है वो पराली जलाने से होता है। ये पराली, जहाँ तक आप पराली की बात कर रहे हैं, पराली से इस समय में जो पराली जलाई जाती है वो सदियों से जलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा की सरकार ने पराली ना जलाई जाए तो 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीद रही है। आम लोग भी जो गौशाला चलाते हैं या फिर जो पशुओं को, जानवरों को पालते हैं, वो भी पराली खरीद रहे हैं, क्योंकि वो पराली जानवरों के सर्दियों में नीचे बिछाने के, ऊपर छप्पर डालने के, उनके भूसे के रूप में खिलाने में लगातार काम आती है, तो पराली खरीदी जा रही है। लेकिन पंजाब को 3,000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिया है पराली को रोकने के लिए, पराली की खरीदने के लिए, पंजाब सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि जहाँ के किसान पंजाब से देखा जाए तो पंजाब से आर्थिक रूप में कमजोर है, उसके बावजूद वहां तो कोई शिकायत नहीं आती है, फिर पंजाब में ऐसी शिकायत क्यों आती है? क्योंकि दो कारण है। पंजाब के अंदर एक बहुत पहले कानून बना था, वो कानून था वाटर कंजर्वेशन एक्ट, जिसके तहत 20 जून से पहले कोई भी आदमी धान की खेती नहीं कर सकता। अगर ये एक्ट जब हरियाणा हटा सकती है तो पंजाब क्यों नहीं हटा देता? अगर वो हटा देगा तो एक समय में लोग खेती नहीं करेंगे, एक समय के अंदर खेती आ जाएगी तो काट करके दूसरी खेती के लिए पराली को जलाएंगे नहीं। मेरा इतना कहना है कि दिल्ली के अंदर किसान पराली जला रहे हैं, तो जितनी पंजाब सरकार दोषी है उतनी दिल्ली की सरकार भी दोषी है। अरविंद केजरीवाल 1500 करोड़ रुपए विज्ञापनों का खर्च कर सकते हैं कि पॉल्यूशन कम हो गया, साहब पॉल्यूशन खत्म कर दीजिए, लेकिन क्या किसानों की पराली नहीं खरीद सकते? वो पूरे देश के किसान की पराली खरीद लेते। अरविंद केजरीवाल 3 घंटे तक बच्चों को, छोटे बच्चों को बाहर स्कूल खुले आंगन में प्रदूषण की हवा में बैठा करके मास्क बांटने की फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को, जो बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, जो बच्चे अपने फेफड़ों को बर्बाद होने से रोकने की प्रार्थना कर रहे हैं, वो केजरीवाल अंकल से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पर केजरीवाल अंकल कहते हैं कि उनकी जगह चिट्ठी लिखी है दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्रियों को, बच्चों को दलगत गंदी राजनीति सिखा रहे, जैसे विश्व के सबसे पॉल्यूटेड चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, विश्व के सबसे पॉल्यूटेड पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल है, वो पूरे देश को भी पॉल्यूटेड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को उससे बचाना चाहिए। आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं और दूसरों के सिर पर डाल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हमारे सबकी जिम्मेदारी बन गए और ये जिम्मेदारी इस बार हम बखूबी निभाएंगे, उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर करके आएंगे। उनकी जिम्मेदारी, हम अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी पूरी कभी कर ही नहीं सकते। आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि बसों के अंदर 3 महीने में सब कुछ कर रहे हैं, मैं बसें फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, है क्या? कुछ भी नहीं।
सबके आदेश दिए 31 मार्च 2020 के बाद उन्होंने एक आदेश दिया है कि बसें 31 मार्च 2020 तक फ्री चलेंगी। दिल्ली के अंदर बिजली के जो दाम 200 यूनिट तक बिजली का यूनिट नहीं आएगा वो 31 मार्च 2020 तक का ही आदेश निकाला है। इसी प्रकार के जो उन्होंने आदेश दिए वो 31 मार्च 2020 तक के ही दिए हैं। सरकारी फंड खर्च करेंगे, दिल्ली के अंदर 13,000 मार्शल लगाने की बात करी जो भी 3 महीने में लगाए, अनट्रेंड आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खड़े कर दिए, वो महिलाओं को छेड़ रहे हैं, लोगों को रोष पिट रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लायबिलिटी बन गए हैं, देश की लायबिलिटी बन गए हैं। ऐसे पॉलिटेड चीफ मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए, ये से एक चिल्ली पूरी देश को बर्बाद कर देगा। रात को सपना देखता, सुबह ऑडिबल चालू कर देगा। जी धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।